भाई और बहनों, आज पूरा देश ये देख रहा है कि बीते सालों में हिंसा, अराजकता और अविश्वास की दशकों पुरानी समस्याएं कैसे उसका समाधान किया जा रहा है, कैसे रास्ते खोजे जा रहे हैं। कभी इस क्षेत्र की चर्चा होती थी तो कभी बम की आवाज सुनाई देती थी, कभी गोलियों की आवाज सुनाई देती थी, आज तालियां गूंज रही हैं, जयकारा हो रहा है। पिछले वर्ष सितंबर में कार्बी आंगलांग के अनेक संगठन शांति और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने का संकल्प लेकर के जुड़ गए। 2020 में बोडो समझौते ने स्थायी शांति के नए द्वार खोल दिए। असम के अलावा त्रिपुरा में भी एनएलएफटी ने शांति के पथ पर कदम बढ़ाए। करीब ढाई दशक से जो ब्रू रियांग से जुड़ी समस्या चल रही थी उसको भी हल किया गया। बाकी जगहों में भी स्थायी शांति के लिए हमारे प्रयास लगातार चल रहे हैं, गंभीरता से चल रहे हैं। साथियों, हिंसा से, अशांति से जो सबसे अधिक प्रभावित होते रही है, जिनको सबसे ज्यादा दुख सहना पड़ा है, जिनके आंसू कभी सूखे नहीं है, वो हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे बच्चे हैं। आज मैं जब हथियार डालकर जंगल से लौटते नौजवानों को अपने परिवार के साथ परिवार के पास वापस लौटते देखता हूं, और मैं जब उन माताओं की आंखें देखता हूं, उन माताओं की आंखों में जो खुशी महसूस होती है, हर्ष के आंसू बहने लग जाते हैं, मां के जीवन को एक शांति मिलती है, संतोष मिलता है, तब मैं आशीर्वाद की अनुभूति करता हूं। आज यहां पर भी इतनी बड़ी संख्या में माता बहनें आई हैं। इन माताओं बहनों का यहां आना, आशीर्वाद देना, ये भी शांति के प्रयासों को नई शक्ति देते हैं, नई ऊर्जा देते हैं। इस क्षेत्र के लोगों का जीवन, यहां के बेटे बेटियों का जीवन बेहतर हो, इसके लिए केंद्र और राज्य की डबल इंजन की सरकार पूरी शक्ति से काम कर रही है, समर्पण भाव से काम कर रही है, सेवा भाव से काम कर रही है।